गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सो आज हमारा लास्ट दिन है फुकेट में। सो हम लोग 3 दिन से फुकेट ही थे। सो तो आज निकल रहे हैं हम लोग फिफी आइलैंड। तो चलो चलते हैं फिफी आइलैंड, आपको भी दिखाएंगे। सो देखो सब लोग रेडी हो चुके हैं। सो सर ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो चुका है, तो चलो फिर जल्दी से। सो चलो चलते हैं गाइस, चलो नीचे चलते हैं। पहले सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करके हमारी कैब आएगी, तो हम उससे जाएंगे फिफी आइलैंड। तो चलो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं नीचे। तो चलो चलते हैं नीचे। सो तो लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट आते ही निकलते हैं। सो आ गई है लिफ्ट, चलो चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। फाइनली आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, और देखो काफ़ी सारे आइटम हैं यहाँ तो। पर मोस्ट ऑफ गाइस यहाँ पर नॉन वेज ज़्यादा है। सो आप रेस्टोरेंट देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन। और वेज बहुत कम है यहाँ पर, वेज फैसिलिटीज़ बहुत कम है। थाई फूड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। नाश्ते में भी देखो क्या लेना पड़ रहा है, या है ही नहीं कुछ भी खाने के लिए। खाली लूट मचा रखी है प्रियांशी। बाकी देखो ये खाना पड़ रहा है, एक केक खाना पड़ रहा है। और ये देखो प्रियांशी कितना लाई है। तो वेज में थोड़ा बहुत तो होगा ना, वो ले लेना। तो देखो जानकी वहाँ ले ही रही है वाटरमेलन। हो रहा ना वह पीछे है ना, खाना है तुझे वाटरमेलन? तो क्या खाना है? नॉन वेज ही नॉन वेज है, हाँ सी फूड पूरा, जितना भी देखो जहाँ देखो पूरा सी फूड। देखो ना प्लेट है हमारी खाली पड़ी है। ब्रेकफास्ट का पैसा बच रहा है इन होटल वालों को। तो चलो पहले फाइनली खा लेते हैं, क्योंकि हमारे कैब का समय हो रहा है। अभी कैब आने वाली है, फिर हमको लेके जाएगी आइलैंड। तो मैं वेज ले आई हूँ पूरा। सो मिल गया गाइस वेज, कर्ड राइस है और छोले हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। सो देखो गाइस, क्योंकि इसका जो शेफ है ना वो उत्तराखंड से है, जो वेज बनाता है। सो देखो गाइस मिल गया अपने को बेस, ये बेस मिल गया, भगवान मिल गए यहाँ पर भगवान। क्या लेके आई? अरे आज कुछ ज़्यादा ही है ना वैरायटी। कल तो रात को भूखे मर गए थे, कल नहीं मिला था, कल तो बर्गर खा के बिताना पड़ा था। बस तेरा यही है, इतना ही खा लेना ढंग से। सो तो फाइनली देखो फ्रूट्स वगैरह ले लिए, और देखो प्रियांशी को मिल गया है आलू का पराठा और छोले। बाकी तो कुछ है नहीं है, बस यही ज़्यादा है। और हमें यहाँ का कम पसंद है, तो हम लोग इतना खाते भी नहीं हैं, एग वगैरह खा लेते हैं बस। तो बस अब ये खाओ फ्रूट्स, खाओ फ्रूट्स खा के निकलते हैं, क्योंकि कैब आने की तैयारी है। फिर आपको डायरेक्ट मिलेंगे हम लोग। कितने मिनट हैं अभी? तो 15 मिनट है गाइस कैब आने में, फिर सीधे आपको मिलेंगे हम लोग फिफी आइलैंड। गाड़ी आ गई है अभी हमारी यहाँ पर, ये हमको लेके जाएगी फिफी आइलैंड, मतलब जहाँ पर बोट लेनी है हमें, वो आइलैंड पर लेके जाएगी। उसके बाद हम लोग बोट से जाएंगे फिफी आइलैंड। चल ना आ गई ये, इसमें जाना है अपने को। डब्बा आ गया, थाईलैंड का डब्बा है गाइस, ये थाईलैंड का डब्बा ले आई, हो गया सारा सामान आ गया। सो तो गाइस देखो ये भी, फिर बाहर का व्यू। यहाँ पर हमारी कैब खड़ी हुई है, फटाफट से इसी में जाना है हमको। संजय दत्त। तो फाइनली सामान जा रहा है कैब में, अब फटाफट डाल देते हैं। सो देखो प्रियांशी और निशिता बैठ चुकी हैं, और ये सामान पूरा रखा जा रहा है वहाँ। सो अभी चलते हैं सीधा, थोड़ा बहुत आपको रास्ते के नज़ारे दिखाएंगे, उसके बाद सीधे आइलैंड ले जाएंगे। देखो भाई ये आई फॉर्चूनर थाईलैंड की। सो तो फाइनली बैठ चुके हैं गाड़ी में, ये वाली थोड़ी अच्छी है ना, मस्त है ये वाली, थोड़ी साफ भी है, कल वाली अच्छी नहीं थी उस दिन वाली। सो तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग, अभी हम लोग एक शिप से जाएंगे, शिप हो रहा है अभी रेडी। और देखो यहाँ हो रही है हमारी एंट्री। हाँ वो जो सामने खड़ी है ना वो वाली ट्रेन,
क्या हुआ? सो देखो गाइस, हमारा पूरा सामान यहाँ पर आ चुका है और यहाँ चल रही है एंट्री। ये हम लोग एंट्री करके फिर उसके बाद बाहर एक शिप है बड़ा वाला, सो हम लोग वहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले एंट्री कर देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं शिप पे। और शिप का नज़ारा क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ शिप के अंदर जाके। देखो मज़ा आएगा शिप का नज़ारा देखने में भी। सो भाई तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये देखो, ये हमने को न्यू टिकट दी हुई है, मतलब वापस आने के लिए ना। तो चलो, खबर नहीं। हाँ ले ले ना, बैठ जा भाई, बैठ जा बैठ जा। सो तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं। देखो इस बोट से हम लोग जाने वाले हैं आइलैंड, फीफी आइलैंड जाएंगे हम लोग इसी बोट से। सो देखो सभी लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, चलो अपने भी कर लेते हैं। सो यहीं से जाना है अपने को। ये है आपको लेके जाएगी, ये बोट हमें लेके जाएगी फीफी आइलैंड। सो चलो सब लोग बैठ रहे हैं, हम भी चलते हैं अंदर। सो देखो और भी बोटें खड़ी हुई हैं यहाँ पर, चलो हम चलते हैं। सभी लोग आ चुके हैं बोट के अंदर और इस बोट में जा रहे हैं हम लोग। ये है स्पीड बोट हमारी। देखो और कुछ नज़ारे दिखते हैं तो दिखाते हैं, नहीं तो सीधा अभी आपको जाके मिलेंगे हम लोग फीफी आइलैंड पर ही मिलेंगे डायरेक्ट। आगे चलो ना, आगे आगे। सो इस तरीके की कुछ बोट है देखो ये अंदर से, और सबको लाइफ जैकेट पहनाया जा रहा है ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम हो। तो हम लोग ऊपर ही तैरें पानी में, अंदर ना डूबें। फाइनली हो चुके हैं, देखो जैकेट वैकेट पहन के रेडी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है समुद्र में तो ये हमें बचाएगा, सेफ्टी करेगा हमारी। और देखो प्रियांशी और निशिता ने भी पहन लिया है, और ये देखो जानकी भी रेडी। और देखो यहाँ से बाहर का नज़ारा, ये बार तो हम लोग आगे बैठे एकदम, तो बहुत अच्छा नज़ारा दे हम लोग ले लेंगे। क्या नज़ारा नहीं ले लेंगे गाइस, इससे पहले बैठे थे तो पानी बहुत गिरा तो पूरे भीने हो गए थे। मतलब इसमें पता नहीं है आगे आगे पानी आएगा कि नहीं, है ना। सो देखो अंदर पूरी काफ़ी सारी पब्लिक है, कम से कम 50 से 60 लोग हैं इस वाली बोट में, और हम लोग बैठ गए हैं बाहर। सो ऐसा नज़ारा दिख रहा है बाहर का, देखो गर्मी लागे। अभी चलने तो दे। सो तो देखो हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ के कुछ अच्छे से मेहमान हैं। ये सिस्टर मिली हुई है अभी हमको यहाँ पर। सो देखो जानकी का चैनल सब्सक्राइब हो रहा है। मुझे पूछ रहा है, डू यू हैव यूट्यूब चैनल? सो तो फाइनली गाइस देखो, और हम लोग निकल चुके हैं फीफी आइलैंड की तरफ। पहुंच गए हैं अभी हम लोग पीपी आइलैंड, आपको उतारा हुआ है। देखो सभी लोग हम लोग यहाँ उतर चुके हैं। अब यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे रिसॉर्ट पर। फाइनली बीच पर पहुंच चुके हैं, और देखो फुल पब्लिक है बीच के ऊपर, और एक बोट जा रहा है यहाँ से देखो। सो इस बोट पर हम लोग आए थे गाइस, बहुत मस्त बोट था ये। सो तो चलो अभी हम लोग चलते हैं हमारे होटल की तरफ। ये लोग देखो आपस में नंबर शेयर कर रहे हैं, सामान रखा हुआ था बोट में, अभी सामान ऊपर आ रहा है। सो काफ़ी लोग इसी बोट का इस गाइस, ये स्पीड बोट था, ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है यहाँ आने के लिए, और फटाफट भी हम लोग आ जाते हैं। अभी ये सारे सूटकेस वगैरह उतारे जा रहे हैं यहाँ से, हमारा भी सामान है तो हमारा भी सामान ले लेते हैं यहाँ से।
सो तो फाइनली पहुंच गए, देखो फिफी आइलैंड। अभी गाइज हमें जाना है इस वाली बोट में, ये हमको हमारे रिसोर्ट वे व्यू में लेके जाएगी, क्योंकि अभी जो जो है सब लोग यहीं पर हैं। सो ये सारे जो यहाँ पर रुके हुए हैं ये सभी लोग जाएंगे फिफी आइलैंड वे व्यू होटल। सो चलें फटाफट से। सो देखो गाइज काफ़ी पब्लिक है, और देखो प्रियांशी को मैंने लेने भेजा था पानी की बोतल। सो देखो प्रियांशी भी लेके आ गई है, इसको कहीं भी भेज दो गाइज कोई टेंशन नहीं, ये हर जगह लूट रहे हैं। 15 रुपए की बोतल 35 में दे रहे हैं। सो गाइज देखो 15 रुपए की बोतल दी 35 में। सो अभी तो हमी लोग यहाँ पर ही वेट कर रहे हैं। सो देखो इस बोट में जाना है, अब सामने का व्यू देखो गाइज, ओहो माइंड ब्लोइंग व्यू, एक नंबर बीच है भाई फिफी आइलैंड। सो गाइज देखो हम लोग वो वाली बड़ी बोट से आए थे, फिर यहाँ ये सब लोग हैं जिस जिस होटल जिसके नाम से बुकिंग रहता है ये लोग सब उनको बताते हैं उनका होटल्स। और सो देखो ये पूरा मार्केट है, यहाँ से एक्सचेंज मनी भी करवा सकते हैं, अभी बाद में करूँगा। हाँ वो फिर बाद में करता हूँ। सो गाइज देखो यहाँ बोट उतारने ही पड़ेंगे, और ये देखो फिश देखो आपको दिखाओ, ओ वाह ये देखो गाइस ये देखो ये छोटी छोटी मछलियाँ देखो, इसके अंदर पैर डाल दो वो सारा मतलब फिश मसाज वाली मछलियाँ लग रही हैं ये हैं प्रियांशी। सो देख सकते हो मस्त व्यू है, मस्त नज़ारा है यहाँ का। सो तो चलो अभी हमारी बोट में बैठते हैं, अभी हम लोग जाएंगे हमारे आइलैंड, अब हम सीधे आपको मिलते हैं हमारे आइलैंड पे मिलेंगे आप, है ना। सो तो हम लोग चलो निकल चुके हैं हमारे आइलैंड पर जाने के लिए, जहाँ है होटल वे व्यू, वो एक अलग ही आइलैंड है, छोटा सा है फिफी आइलैंड पर ही, पर पर्सनल आइलैंड है, और वो होटल वे व्यू वहाँ पर बनाया हुआ है। सो चलो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, सब देखो सब लोग आगे आगे चल रहे हैं, और ये बैग। सो चलो हमारी बोट में बैठते हैं, अभी ये बोट भी आ चुकी है हमारी। तो फाइनली देखो ये शिप, खतरनाक शिप है ये, काफ़ी बड़ा भी है, पर हम इसमें नहीं जाएंगे, हमारा शिप आगे खड़ा है, अभी हम लोग हमारा शिप दिखाते हैं जो हमको पर्सनल आइलैंड पे ले जाएगी। सो ये रहा हमारा शिप गाइस, ये रहा हमारा शिप। सो तो चलो सामान वगैरह रखवा दो फटाफट से, कैम। सो देखो गाइस अभी सारा सामान रख रहे हैं बोट के अंदर। तो प्रियांशी ऐसे नहीं बैठा, टूटे। सो देखो अभी हमारा सामान आ चुका है यहाँ, और अभी हम लोग निकलेंगे वहाँ उस तरफ आइलैंड पर। सो भाई भी बैठ चुके हैं, सो चलो चलते हैं। सो देखो सामने का नज़ारा देखो गाइस, वाह, पर हम तो थक गए देख देख के, वाह। फाइनली पहुंच गए देखो फिफी आइलैंड, और गाइज ये है हमारा होटल वे व्यू। सो चलो अभी हम लोग चलते हैं रिसेप्शन पर, यहाँ पर हमारा रिसोर्ट है ये, और गाइज ये देखो ये रहा बीच में समुंदर और ये आइलैंड्स पूरे, काफ़ी मस्त व्यू है, काफ़ी मस्त रिसोर्ट है ये, थोड़ा कॉस्टली है पर तो अभी काफ़ी अच्छा है। एक पूरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट जंगल ही है चारों तरफ। तो चलो यार नीचो, ज़्यादा ही करती है ना संजय दा, जल्दी फटाफट से एंट्री ले ले। सो गाइस यहाँ क्या अभी आएंगे स्विमिंग करने। सो व्यू देखो गाइस, और वहाँ देखो हमारा लगेज रखा हुआ है, रूम अभी पता नहीं कहाँ पर है रूम पता नहीं। सो तो चलो ओके चलो चलते हैं फिर फटाफट से रूम में, पहले सामान रख देते हैं। फाइनली रूम की अपने को मिल चुकी है, सो अब चलते हैं रूम में। सो तो जा रहे हैं भाई, देखो ये देखो इतनी हाइट पे चढ़ाना है गाड़ी को, और देखो कैसे चल रहे हैं हम लोग। सो गाइस ये तो पहाड़ को ही तोड़ के इन लोगों ने होटल में तब्दील कर रखा है, यहाँ तो चलने में भी इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। सो पुल बार का तो कुछ काम नहीं है, काफ़ी अच्छा है होटल। और ये देखो निशु कैसा लगा, कैसा लगा है कुंभलगढ़, कुछ भी नहीं इसके सामने। हाँ व्यू तो बहुत अलग है।
सो गाइस देखो जा रहे हैं अभी अपने रूम में, होटल का बाहर से नज़ारा देख लो, अभी रूम टूर भी देंगे और यहाँ से व्यू देखो बाहर का, माइंड ग्लोइंग व्यू देखो यहाँ पे, वाओ। बस ये होटल से रूम से निकल के पर एक ही प्रॉब्लम है, ये पहाड़ चढ़ना है अपने को, सो चढ़ते हैं पार। ये देखो रिसोर्ट से डायरेक्ट दिख रहा है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। सो तो वो देखो प्रियांशी का सामने रूम है। सो गाइस ऐसा कुछ ये बाहर का व्यू है और ये है हमारा रूम 212। आपको रूम टूर देते हैं गाइस, यहाँ से अंदर जाना है। ये है बाथरूम कुछ इस टाइप का, वहाँ नहाने का है, ऊपर ओपन है। सो ये एक स्टोरेज दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ अम्ब्रेलाज हैं, ये सामान, ये छोटा सा स्टोरेज, ये पानी के बोटल्स वगैरह सेम वही। यहाँ टीवी है और ये हमारा बेड है, यहाँ एसी दिया गया है, ये बेड है। सो यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं, ये एक बालकोनी दी गई है, सो बालकोनी खोल देते हैं, वो खुल नहीं रही है। ओके अब खुल गई गाइस। सो ये यहाँ पर ये चेयर हैं और ये यहाँ से व्यू है, सो माइंड ग्लोइंग। ये देख लो रूम टूर, सामने बोट वगैरह हैं। ये वाला प्रियांशी का है और ये हमारा है। सो तो चलो चलते हैं वापस से रूम में, यहाँ स्मोकिंग जोन है जो हम करते नहीं हैं। जानकी आ चुकी है अंदर।